तो दोस्तों घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है मगर तस्वीर बदलती रहती है। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं आप लोगों के लिए द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है सितंबर 19, 2019 और डे है फ्राइडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। कल का सवाल था इंडिया की सबसे पुरानी साइंटिफिक डिपार्टमेंट सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेट करते हुए, क्योंकि अभी सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बोला था कि वो 300 ड्रोन्स को डिप्लॉय करेंगे जिसमें जिसकी मदद से हमारे देश में मैपिंग की जाएगी। सर्वे ऑफ इंडिया का मेन काम देश को मैप आउट करना है। जो आप डिफरेंट डिफरेंट मैप्स देखते हो ना, वो यहाँ पर बनाए जाते हैं सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। यहाँ पर आपके लिए तीन स्टेटमेंट रखी थी, इन स्टेटमेंट में थे स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 एक करेक्ट स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत स्टेटमेंट थी, क्योंकि करेंटली जो मैप्स हैं वो 1 सेंटीमीटर जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं 250 सेंटीमीटर को इन रियल सेंस। अब जब यहाँ पर ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा तो हम लोग रिजोल्यूशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आएगा हम लोगों को 500 सेंटीमीटर को। इसलिए सवाल का सही जवाब होगा सी, 1 और 3 ओनली। आपके लिए आज का सवाल रिलेट करता है यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया है बैंक्स के लिए कि बैंक्स जितने भी यहाँ पर जो उनके फ्लोटिंग रेट लोन्स हैं हाउसिंग के, ऑटो सेक्टर के या MSME वाले जो लोन्स हैं उनको एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से लिंक कर देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेपो रेट, या वो 3 मंथ्स के जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनसे रिलेट कर सकते हैं या 6 मंथ्स के ट्रेजरी बिल्स से भी रिलेट कर सकते हैं। उन चीज़ों से रिलेट करते हुए तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि इट हैज़ ऑफन बीन नोटिस्ड कि जो लेंडिंग रेट्स हैं बैंक्स के, NBFCs के, चाहे वो हाउसिंग फिनेंसिंग कंपनीज ही क्यों ना हो, जब RBI अपने पॉलिसी रेट्स को या रेपो रेट को चेंज करती है तो उनका यहाँ पर असर जो बैंक रेट्स होते हैं या NBFC के जो लेंडिंग रेट्स होते हैं उसके ऊपर नहीं होता है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है लोन्स को यहाँ पर एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक करने का, वो है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स हैं उनके ऊपर अगर थोड़ा सा भी बदलाव हो तो उनका बहुत ही तेज़ी से ट्रांसमिशन हो सके, पर्टिकुलरली इन डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेजिम। नंबर 3, एट प्रेजेंट देयर एंकर रेट फॉर दी NBFC जो कि यहाँ पर बैंक जैसा होता है, दैट इज़ लिंक टू द लेंडिंग रेट ऑफ अ पर्टिकुलर लोन। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ऑप्शन है आपके A1 और 2 ओनली, B2 और 3 ओनली, C1 और 3 ओनली या D ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर 1, पहली खबर मिलती है हमें, एक्सेस टू इंटरनेट इज अ बेसिक राइट। ये कहना है केरला की हाई कोर्ट का। केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि राइट टू हैव एक्सेस टू द इंटरनेट पार्ट है हमारे फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन का, एज वेल एज राइट टू प्रिवेसी का भी पार्ट है अंडर द आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज आप लोग मेरी जो वीडियोस देख रहे हो वो इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हो, अगर इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता तो शायद ही आप लोग ये वीडियोस देख पाते। इसीलिए यहाँ पर एजुकेशन गेन करने में भी इंटरनेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। राइट टू प्रिवेसी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आर्टिकल 21 का, और आर्टिकल नंबर 21 के अंदर पहले भी इंटरप्रेट किया जा चुका है कि इंटरनेट इज़ अ बेसिक राइट। यहाँ पर जस्टिस PV आशा ने ये ऑब्जर्व किया, क्योंकि एक यहाँ पर ऑर्डर आ रहा था कि, और उस ऑर्डर में यहाँ पर बोला गया कि लोग जो बच्चे हैं जो हॉस्टल के बच्चे थे उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्टेड आवर्स रखे गए थे कि वो इन पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड आवर्स में ही अपने मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कर सकते थे। कोर्ट ने यहाँ पर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बोला कि जब अगर हम लोग ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, उन्होंने भी इस चीज़ को देखा है कि राइट ऑफ एक्सेस टू इंटरनेट एक फंडामेंटल फ्रीडम है, एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसकी मदद से लोग यहाँ पर एजुकेशन गैदर कर सकते हैं। एक रूल्स इंस्ट्रक्शंस जो कि यहाँ पर इम्पेयर करते हैं इन पर्टिकुलर राइट्स को, उनको यहाँ पर हटा देना चाहिए, और ये बिल्कुल भी लॉ की नज़रों में सही नहीं है। तो याद रखना दोस्तों कि बेसिक ह्यूमन राइट इंटरनेट एक्सेस फॉर ऑल, तो सबको यहाँ पर इंटरनेट का एक्सेस मिलना उनका एक अधिकार है। मूविंग ऑन पेज नंबर 1, अब हमारे पास यहाँ पर 4 बड़ी अनाउंसमेंट आ गई हैं। सबसे पहले हमारी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया कि यहाँ पर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसको रिलैक्स किया जाएगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ध्यान दिया जाएगा। ऐसे हमारे सामने पहले डिसीजंस आए, उसके बाद यहाँ पर मर्जर हुआ बैंकिंग फर्म्स का,
फिर यहाँ पर हमें एक और बड़ा डिसीजन आता हुआ नज़र आया भारत सरकार का कि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट क्रेडिट है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ जो हाउसिंग सेक्टर है उसके अंदर पैसे डाले जाएंगे। अब यहाँ पर जो एक बड़ा डिसीजन लिया गया है भारत सरकार का वो हमारे सामने अब ये आया है कि यहाँ पर जो हमारी एमजी नरेगा के अंदर जो हम लोग यहाँ पर चीज़ें करते हैं उसके अंदर जो रिवेजेस होती हैं उनको इन्फ्लेशन के साथ लिंक आउट कर दिया जाएगा। उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिससे हमारे देश में जो लिक्विडिटी है वो बढ़ सके, क्योंकि हमें हमारे देश के अंदर डिमांड बढ़ानी पड़ेगी अगर इकोनॉमी को हमें वापस से एक अच्छी पोजीशन पे लाना है, अपनी जीडीपी को ग्रोथ करना है। इसके लिए यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हुआ है लोगों के मन में, एक बड़ा विचार है कि बैंक्स के पास तो पैसे हैं, बैंक्स हैव लिक्विडिटी, बट यहाँ पर जो बैंक्स के पास पैसे हैं वो NBFCs तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और वो जो पैसे हैं वो कस्टमर्स तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कि यहाँ पर जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनकी एक बड़ी गैदरिंग की जाएगी 400 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जितने भी बैंक्स होंगे उनको यहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा, एज वेल एज यहाँ पर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होंगी वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी। तो इसके लिए बैंक्स को और NBFCs को आपस में पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, आपमन में पार्टनर करना पड़ेगा, बैंक्स को सपोर्ट करना पड़ेगा NBFCs को, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो NBFCs को बिलीव नहीं कर रहे हैं, बहुत ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है। अब यहाँ पर लोन मेला लगेगा और उस लोन मेले में लोग जाकर यहाँ पर लोन अवेल कर पाएंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर बोला कि बैंक्स ने यहाँ पर 14 टाइप्स किए हैं NBFCs के साथ फॉर को ओरिजिनेटिंग लोन्स और 36 टाइप्स अभी भी पाइपलाइन के अंदर हैं जो कि पेंडिंग है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कोई भी जो MSME के जो स्ट्रेस लोन्स होंगे उनको क्लासीफाई नहीं किया जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में अंटिल March 31, 2020। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अगर MSME के लोन्स को अगर हम लोग यहाँ पर NPA के रूप में क्लासीफाई कर देंगे तो MSMEs के ऊपर यहाँ पर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, जो स्ट्रेस लोन्स हैं वो बढ़ जाएंगे और देश में और भी ज़्यादा खराब स्थिति हो सकती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमारी जो रेटिंग है वो और भी ज़्यादा डिग्रेड कर सकती हैं। तो यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि 200 डिस्ट्रिक्ट्स बिटवीन नाउ एंड September 29 वो एक बड़ी गैदरिंग होल्ड ऑन करेंगे। उसके बाद जो 200 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो गैदर होंगे बिटवीन October 10 एंड October 15। यहाँ पर ये जो प्रोग्राम्स होंगे इनको हेड करेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस अनुराग ठाकुर जी। उनका भी ये कहना है कि मेन मकसद है यहाँ पर कि कस्टमर्स को एनकरेज किया जा सके कि कस्टमर्स यहाँ पर जल्द से जल्द लोन अवेल करें। अब देखो इन मेले के अंदर यहाँ पर थोड़े से लोन ऑफर्स भी आएंगे, जैसे कल हम लोगों ने कवर किया था ना कि SBI यहाँ पर लॉन्च करेगा एक टीजर लोन्स, ओके, ये हम लोगों ने आपको कल बताया था। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके बताना है कि व्हाट इज टीजर लोन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल पेज नंबर 1 कवर मिलती है खिलाड़ी फाइंडिंग ट्रेसेबल टू 6th century BC सेज रिपोर्ट। यहाँ पर केलाड़ी नाम की जगह जो है वो तमिलनाडु के अंदर पड़ती है, उस जगह का जो रिलेशन है वो संगम एज से हम लोगों को देखने को मिलता है। तो संगम एज से यहाँ पर देखा गया, समझा गया कि यहाँ पर जो डेट है इस पर्टिकुलर एक्सकवेशन की वो अराउंड 6th century BC से लेकर 1st century CE के बीच में हो सकती है। ये पहली बार है जब डेट को एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया है। वन ऑफ द 6 सैंपल कलेक्टेड एट द डेप्थ ऑफ 553 सेंटीमीटर, उनको कार्बन डेटिंग के लिए भेजा गया था और बताया गया कि 580 BC से ये बिलोंग करते हैं। जो रिपोर्ट हमारे सामने आई उसकी यहाँ पर हेडलाइन है केलाड़ी एंड अर्बन सेटलमेंट ऑफ संगमगिरिच ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर वेगई। देखो अगर हम लोग कभी भी बात करते हैं संगम लिटरेचर के बारे में तो जो हमारी संगम लिटरेचर है, संगम होता क्या था, संगम एक तरीके का समूह था जहाँ पर जो लोग आते थे, पोएट्स आते थे और उसके बाद वो जो सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं, जो पॉलिटी में चीज़ें चल रही हैं उस ज़माने में उन चीज़ों को लिखते थे। 3 यहाँ पर जो सदर्न स्टेट, सदर्न यहाँ पर राज्य थे उनके बारे में अक्सर बात होती थी जो कि थे चोला, चेरा और पांड्य। आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है वो भी डायरेक्टली संगम एज के बारे में हम लोगों को बताता है। यहाँ पर जो एक्सकवेशन है वो सजेस्ट करती हैं कि ये सेकेंड अर्बनाइजेशन था वेगई प्लेन्स का जो कि तमिलनाडु के अंदर हुआ था। रिपोर्ट यहाँ पर ये भी बताती है कि इसके अंदर हमें कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं मिला जिसका यहाँ पर रिलेशन कोई वर्शिप से हो। दिस रिजल्ट क्लियरली एसर्टेन दैट दे अटेन लिटरेसी एंड लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग एज अर्ली एज 6th century BC। के साथ साथ यहाँ पर जो हम लोगों को सैंपल्स देखने को मिले हैं उन सैंपल्स में चीज़ें थी जैसे यहाँ पर काउ या ऑक्स, यहाँ पे बफेलो, ओके, शीप्स, गोट, यहाँ पे नील गाय, ब्लैक बक,
वाइल्ड बोर और पिकॉक हमें देखने को मिली। ये जो आर्टिकल अभी हम लोगों ने डिस्कशन में लिया, इसकी मेन रेलिवेंस आपके प्रीलिम्स पेपर के अंदर है। आपसे संगम एज के बारे में, संगम लिटरेचर के बारे में पूछा जा सकता है। सवाल आ सकता है कि जो केलाडी है ये जगह पर्टिकुलर किस एरा से बिलोंग करती है, किस सीन से बिलोंग कर सकती है। हरप्पन से करती है, वैदिक से करती है, संगम से करती है या मौर्य डायनेस्टी से करती है, इस तरीके से सवाल आ सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली प्रीलिम्स इवेंट आपके लिए स्टफ था। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। पेज नंबर 1 पे हमें खबर मिलती है, 5 लीडर्स इंक्लूडिंग मिरवाइज साइन बॉन्ड्स टू सिक्योर रिलीज। 5 पॉलिटिकल लीडर्स हैं कश्मीर वैली के, उन्होंने यहाँ पर बॉन्ड साइन आउट किया है सरकार के साथ, तभी उनको यहाँ पर रिलीज किया गया है। ये बॉन्ड इकोनॉमी वाला बॉन्ड नहीं है, ओके, इकोनॉमी वाला बॉन्ड ये नहीं है। ये वाला जो बॉन्ड है, इट्स लाइक अ फॉर्मल एग्रीमेंट, इट्स लाइक अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर बात हुई सेक्शन 107 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की। अब यहाँ पर होता क्या है, जो सेक्शन 107 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, इसके अंदर यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया जाता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब यहाँ पर ही मजिस्ट्रेट जो कि एग्जीक्यूटिव्स के अंदर होते हैं, जुडिशरी से इनका रिलेशन नहीं होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। जब डीएम के पास कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कि कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पर पीस को ब्रीच कर रहा है, यहाँ पर शांति को भंग कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है पब्लिक को, या कोई रॉन्गफुल एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इन सब चीज़ों के बिहाफ पे, यहाँ पर जो ओपिनियन के बिहाफ पे, यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो एक्शन लेता है। और इस एक्शन के अंदर यहाँ पर जो डिटेंशन प्रोसीजर है वो चालू कर दिया जाता है। अब अगर उस व्यक्ति को इस डिटेंशन प्रोसीजर से बाहर आना है तो उसको यहाँ पर एक बॉन्ड साइन आउट करना पड़ता है, उस बॉन्ड के अंदर लिखना पड़ता है कि अगर वो यहाँ पर रिलीज होता है तो वो कोई भी पब्लिक को परेशानी नहीं पहुँचाएगा, वो कोई भी वायलेंस नहीं करेगा और यहाँ पर पब्लिक डिस्टर्बेंस भी नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर सेक्शन 107 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर कुछ पॉलिटिशियंस को गिरफ्तार किया गया था और अब उनको यहाँ पर बॉन्ड साइन आउट किया गया है, जिस बॉन्ड के अंदर उन्होंने लिखा है कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर कोई पर्सन को यहाँ पर डिटेन किया जाता है अंडर द सेक्शन 107 ऑफ द सीआरपीसी, वो एक बॉन्ड साइन आउट करता है और अगर उस पर्टिकुलर बॉन्ड को वो वायलेट करता है तो उनके खिलाफ जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो चालू हो जाती हैं। मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 4, खबर मिलती है ओला ड्राइवर्स टू गेट हेल्थ केयर बेनिफिट्स अंडर द आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत हमारी यहाँ पर नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसके अंदर 5 लाख रुपीज़ पर एनम पर फैमिली प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अंदर फैमिली की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आयुष्मान भारत की के अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डेटा की। और आयुष्मान भारत के अंदर सबसे खास बात है कि यहाँ पर प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो यहाँ पर चार्जेस हैं उनको भी कवर अप किया जा रहा है। अब ये हमारे देश की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ओला के बारे में, तो जो ओला है जो कि मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप लोग कैब्स वगैरह बुक करते हो, उसने यहाँ पर पार्टनर किया है भारत सरकार की आयुष्मान भारत के साथ, जिससे यहाँ पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जो बेनिफिट हैं वो ड्राइवर्स को भी मिल सकें, एज वेल एज जो ओला के जो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। अब देखो ओला पहले भी बेनिफिट प्रोवाइड करती थी बट वो प्राइवेट इंश्योरेंस थे, अब यहाँ पर जो फिनेंशियल बर्डन है वो भी ईज आउट होता हुआ नज़र आएगा ओला की तरफ से। अभी इसको पायलट बेसिस पे दिल्ली एनसीआर के अंदर लॉन्च किया जाएगा और धीरे धीरे ये सब जगहों पर लॉन्च हो जाएगी। तो एमओयू यहाँ पर साइन आउट किया गया है जिससे जो बेनिफिट है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर स्कीम का वो बढ़ सके। देखो ये विन विन सिचुएशन है, एक तो सरकार के चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनरोल करें, यहाँ पर तो एनरोलमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यहाँ पर ड्राइवर्स जो हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी बेनिफिट है कि उनका इंश्योरेंस हो रहा है और ओला के लिए भी बेनिफिट है, तो इट्स अ टोटल विन 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 सिचुएशन। एक ये बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पर आप इससे एक और चीज़ से रिलेट कर सकते हो कि किस तरीके से हेल्थ केयर सेक्टर को गिग इकोनॉमी से रिलेट किया जा रहा है। ये जो आर्टिकल है ये आपके लिए जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नेंस सिस्टम में इसका इस्तेमाल हो सकता है कि गवर्नेंस को बेटर करने के लिए, सोसाइटी को बेटर करने के लिए, हेल्थ कंडीशन को बेटर करने के लिए क्या क्या सरकार कर सकती है, एज वेल एज जीएस पेपर नंबर 1 सोसाइटी में इसका रिलेशन है, एज वेल एज जीएस पेपर नंबर 3 में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। बिकॉज यहाँ पर इसका जो प्रस्पेक्टिव है उसको आप इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हो कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर ओला अगर ऐसा करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जब स्टाफ इन्वॉल्व होगा तो उसकी मदद से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी हम लोगों को होती हुई नजर आएगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये रिलेट करता है आपके जीएस पेपर नंबर 2 से, जिसके अंदर वेलफेयर स्कीम्स, इशूज़ रिलेटेड टू चिल्ड्रन और इशूज़ रिलेटेड टू वीमेन आते हैं।
तो इंडिया अनलाइकली टू मीट पोषण अभियान टारगेट्स, ऐसा कहना है एक स्टडी का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पोषण अभियान है क्या। 2018 के मार्च के अंदर पोषण अभियान को लॉन्च किया गया था। पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है। इस अभियान के अंदर हमारा मेन मकसद है कि हम लोग स्टंटिंग को, अंडर न्यूट्रिशन को, एनीमिया को और लो बर्थ वेट को यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे। याद रखना, स्टंटिंग को 2% से पर एनम रिड्यूस करेंगे, यहाँ पर अंडर वेट को भी 2% पर एनम से रिड्यूस करेंगे, एनीमिया को 3% पर एनम से रिड्यूस करेंगे और लो बर्थ वेट को 2% पर एनम से रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने टारगेट भी रखे थे 2022 तक वाले। यहाँ पर जो न्यूट्रिशन इंडिकेटर हैं, यहाँ पर एज पर द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 1990 से 2017 के बीच में जो की गई, उसके हिसाब से जो स्टंटिंग के जो हमारे टारगेट हैं वो 9.6% से मिस हो जाएंगे। याद रखना, ये सारे टारगेट्स हम लोगों को 2022 तक अचीव करने थे। तो स्टंटिंग के टारगेट 9.6% से मिस हो जाएंगे, अंडर वेट के टारगेट 4.8% से मिस हो जाएंगे, लो बर्थ वेट के टारगेट 8.9% से मिस हो जाएंगे, अनिमिया के जो टारगेट्स थे 11.7% से मिस हो जाएंगे बच्चों के अंदर, और एनीमिया के जो महिलाओं के जो यहाँ पे टारगेट्स थे वो 13.9% से मिस आउट हो जाएंगे। यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर जिस पर्टिकुलर ग्लोबल बर्न ऑफ डिजीज स्टडी का जिक्र है वो एक रिपोर्ट है जिसको यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मिलकर सबके सामने रखा है। तो यही चीज़ सामने रखी है इसने कि इंडिया इज़ अनलाइकली टू मीट द टारगेट, हम लोग शायद टारगेट मिस आउट कर जाएंगे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के। स्टडी ने यहाँ पर बताया है कितने परसेंट से मिस आउट किया जाएंगे, वो ये वाला पैराग्राफ है जो अभी हम लोगों ने कवर किया। पोषण अभियान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि वो 10 करोड़ लोगों को बेनिफिट पहुँचाएगा। 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था, तो फाइंडिंग यही है कि हम लोग मिस कर जाएंगे। ओके, क्योंकि हमारी जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो पेस पे चल रही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात हो रही है यहाँ पर ई सिगरेट्स के बारे में। कल भी हम लोगों ने बहुत ही एक्सटेंसिव रूप से ई सिगरेट के बारे में कवर किया था। जो कैबिनेट है उसने रिसेंटली अभी क्लियर किया प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट ऑर्डिनेंस 2019, जिसके अंदर अब प्रोडक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, स्टोरेज ई सिगरेट्स की बैन कर दिया गया है। इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया है। अभी कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है वो वाले ऑफेंस जिसके अंदर यहाँ पर बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। यह आर्टिकल स्टार्ट होता है एक यहाँ पर मिसनॉमर से। आर्टिकल कहता है कि हम लोग ऑल्टरनेटिव्स लेकर आते हैं और हम लोग कहते हैं दे आर लेसर इविल, उसकी मदद से यहाँ पर जो आपको बुरी लत लगी हुई है वो छूट जाएंगी। पर हम लोग कुछ चीज़ें बताने में नाकामयाब रहते हैं कि उनका क्या इम्पैक्ट होगा ह्यूमन बॉडी के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही बैठता है इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम और वेप्स और ई हुक्का से रिलेट करते हुए। ई सिगरेट्स जो जो कि हम लोग लाए थे कि जो स्मोकर्स हैं उनको वो यहाँ पर बेनिफिट पहुँचाएंगे, जो स्मोकर्स हैं वो शायद अपनी जो आदत है उसे छोड़कर ई सिगरेट्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। बट एक ये भी बहुत फैक्ट है कि जब ई सिगरेट्स का इस्तेमाल वो करना चालू कर देंगे तो धीरे धीरे शायद वो ई सिगरेट्स को अभी इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। पर हुआ क्या, ई सिगरेट्स का इस्तेमाल लगातार बढ़ता हुआ नजर आया और ई सिगरेट्स अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एडिक्शन बन गई। इसीलिए भारत सरकार को बड़ा कदम उठाना पड़ा। जो निकोटीन होता है ई सिगरेट्स के अंदर वो बहुत सारे यहाँ पर नुकसान देता है, उसकी वजह से वो कार्सिनोजेनिक भी है, ट्यूमर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, न्यूरोडीजनरेशन हो सकता है। न्यूरोडीजनरेशन का मतलब होता है हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका डैमेज हो जाना। इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जीन्स के अंदर बदलाव आ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं यहाँ पर इन ई सिगरेट्स के। तो ऐसा नहीं है कि ई सिगरेट्स हमारे लिए हार्मफुल नहीं थी। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े एविडेंसेस हम लोगों को देखने को मिले हैं जो कि यहाँ पर निकोटीन एडिक्शन के हार्म को रिलेट करते हैं। रीजंस दैट इट इज़ ओनली अप्रूव्ड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर उनको अप्रूव किया गया है, बट सिर्फ और सिर्फ निकोटीन गम्स और पैचेस के इस्तेमाल के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबाको कंट्रोल के यहाँ पर बात करें, जो पर्टिकुलर डिवाइसेज हैं दे कैन ओनली बी बिलीव टू सक्सीड कि अगर यहाँ पर जो स्मोकर्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर निकोटीन सोर्स का भी अल्टरनेटिव ढूंढना चालू कर दे। बट आयरोनिकली दिस इज़ नॉट करेक्ट, ऐसा होता ही नहीं है। जो FCTC है उस वो यहाँ पर रिकॉर्ड करती है कि ई सिगरेट्स आर अनलाइकली टू बी हार्मलेस, उनका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो हमें धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा।
यहाँ पर हम लोगों ने कल आपको जो मैंने ग्राफ दिखाया था उसमें ये भी बताया था कि हमारे देश में ई सिगरेट्स का जो इम्पोर्ट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट हम लोग चाइना से करते थे, अब फाइनली उसके ऊपर ऑर्डिनेंस आया तो बैन लग गया। कुछ लोग अब यहाँ पर ये भी सवाल पूछेंगे कि हम लोगों ने ई सिगरेट के ऊपर तो बैन लगा दिया, तो हम लोग सिगरेट्स और टबैको के ऊपर बैन क्यों नहीं लगा रहे। देखो, ई सिगरेट्स बिल्कुल एक नए प्रोडक्ट्स थे, हेल्थ के ऊपर इनका बहुत बड़ा हार्म था, तो सरकार ने इनके ऊपर बड़ा एक्शन ले लिया, एज वेल एज इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसके खिलाफ रही। पर सिगरेट्स और टबैको, ऑल दो इनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, इनके ऊपर हम लोग टैक्स लगा देते हैं हायर मात्रा में, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि 85% आगे और पीछे एडवर्टाइजमेंट होगा, मूवीज़ के पहले यहाँ पर एड्स दिखाई जाते हैं, बट यही सोर्सेज भारत सरकार के रेवेन्यू के भी सबसे बड़े सोर्सेज हैं, इस चीज़ को भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, पेज नंबर 10, खबर मिलती है ओवर द हिल्स एंड फार फार अवे। ये आर्टिकल रिलेट करता है आपके जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से। इस आर्टिकल के अंदर आपके जो सॉल्यूशन हैं वो दो हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है इंटीग्रेशन के बारे में कि जो हमारी हिमालयन स्टेट्स हैं उनको हम लोगों को मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ और ज़्यादा इंटीग्रेट करना चाहिए। दूसरा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोग ग्रीन बोनस के नाम से जानते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ द माउंटेन्स विद द मेन स्ट्रीम इज अनलाइकली अंडर अ यूनिटरी डिस्पेंशन दैट प्रोमिसेज अ ग्रीन बोनस। आर्टिकल से पहले आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टफ। हिमालयन स्टेट्स अभी रिसेंटली एक साथ आईं, कहाँ पर आईं? हिमालयन कॉन्क्लेव चल रही थी मसूरी के अंदर, वहाँ पर जो हमारी 11 हिमालयन स्टेट्स हैं उनमें से 10 स्टेट्स आईं और उन्होंने यहाँ पर कुछ बड़े बड़े मुद्दे सामने रखे, जैसे कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल हेरिटेज। यहाँ पर कॉमन एजेंडा सामने रखा गया हिमालयन स्टेट्स द्वारा और उन चीज़ों को यहाँ पर हैंड ओवर किया गया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के दो हाथों में। इट इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि जो हिमालयन स्टेट्स हैं वो पहली बार एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे आई और एक यूनानिमट स्टैंड उन्होंने लेने की कोशिश करी। यहाँ पर उनकी कोशिश है ग्रीन बोनस पाने की और उनकी डिमांड थी कि एक अलग से एक सेपरेट मिनिस्ट्री आनी चाहिए जिसको बोला जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हिमालयन स्टेट्स। यहाँ पर ग्रीन बोनस के पीछे अगर आप लोग रैशनल को ढूंढने निकलोगे तो आपको समझ में आएगा, बोला गया कि हमारे देश की जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो रिवर्स हैं वो हिमालय से ही ओरिजिनेट करती हैं, इसलिए जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वाटर कंजर्वेशन की इनिशिएटिव्स के अंदर। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम भी यहाँ पर समझे कि हिमालयन स्टेट्स कितने ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ग्रीन कवर है वो हमें हिमालयन स्टेट्स के अंदर ही देखने को मिलता है। इन हिमालयन स्टेट्स जो हैं ये इन ग्रीन कवर की जगह अगर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करती तो इनको और भी ज़्यादा बोनस हो सकता था, बट यहाँ पर ड्यू टू द इको सेंसिटिव जोन्स वो इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट नहीं कर पाते, तो उनको मिलना चाहिए ग्रीन बोनस जिससे एक तरीके से कंपेंसेट किया जा सके हिमालयन स्टेट्स को, क्योंकि उनको एक डिसएडवांटेज सिचुएशन में रखा हुआ है। आफ्टर अ बिग डेलिब्रेशन यहाँ पर हम लोगों को एक मसूरी रिजोल्यूशन पास होता हुआ नजर आया इस कॉन्क्लेव के अंदर, जिसमें प्लेज ली गई कि यहाँ पर कंजर्व किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा हिमालयन स्टेट्स के कल्चरल हेरिटेज को, बायोडाइवर्सिटी को, ग्लेशियर्स को, लेक्स को, और यहाँ पर इसके साथ साथ वो नेशनल प्रोस्पेरिटी में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना जारी रखेंगे। आज जो आपके लिए एडिटोरियल आया है वो बात करता है इंटीग्रेशन प्रॉब्लम के बारे में कि इंटीग्रेशन प्रॉब्लम कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक साउथ एशियन फेनोमेना है। चाइना भी सिमिलरली उसके जो माउंटेन के अंदर जो लोग रहते हैं उनको मेन स्ट्रीम चाइना के साथ यहाँ पर इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ साथ म्यांमार, थाईलैंड और जो बाकी सारे देश हैं वो भी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी कर रहे हैं। इस पॉइंट को अप्रिशिएट करने के लिए हम लोगों को कुछ सेंचुरी पहले जाना पड़ेगा, जब यहाँ पर कॉलोनियल एरा के अंदर पैक्स ब्रिटानिका बॉर्डर लाइन घोषित की गई थी। पैक्स ब्रिटानिका मतलब यहाँ पर टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश एम्पायर, जो यहाँ पर बॉर्डर लाइंस बनाई गई थी उनको बोला जा रहा है, और वो जो बॉर्डर लाइंस थी वो इंडिया के नॉर्दर्न माउंटेन से पास करती थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहली बार नेशन स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आया और सोसाइटी, पॉलिटिकल इकोनॉमी जो प्लेन्स की है उनको यहाँ पर लिंकआउट करने की कोशिश की गई हिमालयास के साथ। जो हिमालयास हैं वो एक सक्सेसफुली प्रोवाइड करते रहे हम लोगों को बैरियर्स टुवर्ड्स द रशियन कॉलोनियल एक्सपेंशन, बट वर अनसक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग द ट्रेड रूट इनटू चाइना। पोस्ट कॉलोनियल नेशन के बारे में बात करें एशिया के अंदर से इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, वो अभी भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस करते हैं कि अपने माउंटेन रीजन्स को भी उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकें।
अब ये सिर्फ उसके सोशियो साइकोलॉजिकल फीचर नहीं है, डायरेक्ट प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं पॉलिसीज़ के, प्रोग्राम्स के, जिनको हम लोगों को यहाँ पर बेटर करना पड़ेगा हिमालयन स्टेट्स के लिए, हिली रीजन्स के लिए। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल, मैथ्स हेल्प आइंस्टीन, इट कैन हेल्प द इकोनॉमी टू। तो अभी हमारे सामने बड़ी बड़ी यहाँ पर मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट आती हुई नज़र आई कि मैथ्स का कोई रिलेशन नहीं है, मैथ्स को इग्नोर करना चाहिए हम लोगों को जब हम लोग देश के स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर इस एडिटोरियल के अंदर उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। इस एडिटोरियल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट हैं, बट बहुत ही वन लाइनर चीज़ें हैं। सवाल यहाँ पर आता है कि क्या जो पॉलिसी मेकर्स का प्लान है कि हम लोग इंडिया को एक $5 trillion इकोनॉमी बनाएंगे आगे आने वाले 5 सालों के अंदर 2024 तक, क्या उसके लिए बेसिक मैथमेटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है? कुछ लीडर्स ये सोचते हैं दैट द विशफुल थिंकिंग कैन टेक अस देयर, हम लोग बस विश करें और बस उन जगहों पर पहुंच जाएं। एल्बर्ट आइंस्टीन की जो डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी थी, इट हैज़ बीन इन्वोक्ड एज अ सक्सेसफुल एग्जांपल, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर गोल्स को अचीव कर सकते हैं। दो सवाल यहाँ पर आए। पहला सवाल क्या है कि क्या आइंस्टीन ने एक्सप्लेन की थी अपनी रिलेटिविटी थ्योरी और क्या उसके अंदर कुछ मैथमेटिक्स के इनपुट लिए थे? दूसरी, कैन इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल बी डिवॉइड ऑफ मैथमेटिक्स, क्या बिना किसी मैथमेटिक्स के हम लोग इकोनॉमिक मॉडल्स को अचीव कर सकते हैं? तो आइंस्टीन की जो यहाँ पर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसको हम लोग अभी तक की सबसे ज़्यादा एक्यूरेट थ्योरी मानते हैं ग्रेविटी की, जो कि अभी तक हमारे पास सामने अवेलेबल है। आइंस्टीन वॉज सर्टेनली नॉट फर्स्ट वन टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रेविटी, बट सबसे क्लोजेस्टली नियर हम लोग इसी को मानते हैं। मोर देन 2 centuries प्रायर टू हिम, मिस्टर आइज़ैक न्यूटन, उन्होंने यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रपोज किया था। हाउएवर, जो न्यूटोनियन थ्योरी थी यहाँ पर ग्रेविटी की, वो एक्यूरेट थी उस समय के लिए, बट उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। जब यहाँ पर ग्रेविटी एक्सट्रीमली स्ट्रांग होती है या वेन द मोशंस इन्वॉल्व वर एक्सट्रीमली फास्ट, जो कैलकुलेशन थी यहाँ पर न्यूटोनियन थ्योरी की वो थोड़ी सी इम्प्रिसाइज हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, द थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ मरकरी, प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, वो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ी डिसएग्रीमेंट होती हुई नज़र आई थी। आइंस्टीन का जो डिस्क्रिप्शन था ग्रेविटी को लेकर वो थोड़ा सा अलग था यहाँ पर अगर न्यूटन के साथ उसे कंपेयर किया जाए। न्यूटन अज्यूम्ड कि जो एग्जिस्टेंस है यहाँ पर एब्सोल्यूट स्पेस की और यूनिवर्सल टाइम की, और यहाँ पर आइंस्टीन के हिसाब से स्पेस और टाइम एक ही सिंगल एंटिटी का पार्ट है, इसलिए उन्हें स्पेस टाइम कहा जाता है। और आज भी हम लोग जब ग्रेविटेशनल वेव के बारे में बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि स्पेस टाइम फैब्रिक में हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। सो इट इज़ वेरी हार्ड टू इमेजिन अ कर्व्ड स्पेस टाइम, और उस एंटिटी को हम लोगों को 4 dimensions में देखना पड़ेगा। 3 dimensions होंगी हमारी और एक हमारी टाइम की डायमेंशन होगी। टिपिकली वी कैन सी द कर्वेचर ऑफ अ सरफेस व्हेन वी हैव एक्सेस टू हायर डायमेंशंस। तो ये सब चीज़ों को यहाँ पर किया गया। हाउएवर, ये चीज़ सच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अर्थ सरफेस के बारे में यहाँ पर अगर हम लोग कॉन्स्टेंट लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स को देखेंगे, ऑन द इक्वेटर मेरिडियन आर पैरेलल टू ईच अदर, बट ऑन द पोल्स ऑल ऑफ देम मीट, थस वन को डू अ मेजरमेंट टू चेक वेदर लाइंस दैट आर ओरिजिनली पैरेलल रिमेन्स पैरेलल, इफ दे डोंट दिस इज एन एविडेंट दैट द स्पेस टाइम इज कर्व्ड, कि स्पेस टाइम कर्व हो रहा है। बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस भी हुई, कंडक्ट किया गया पिछली सेंचुरी के अंदर, वो कंफर्म करते हैं कि स्पेस टाइम इज इंडीड कर्व्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट्स। आइंस्टीन ने खुद यहाँ पर, आइंस्टीन हिमसेल्फ वाज नॉट वेल वर्स्ड इन द जियोमेट्री ऑफ कर्व्ड स्पेसेस, इसीलिए यहाँ पर आइंस्टीन ने अपने एक दोस्त का सहारा लिया था जो कि थे मैथमेटिशियन मार्सल ग्रॉसमैन, यहाँ पर उनकी टेक्निक का फायदा उठाने के लिए। हाउएवर, मैथमेटिकल एलिगेंस इज नॉट प्राइमरीली टचस्टोन ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचर। जनरल रिलेटिविटी थ्योरी रिमेंड इनअसेसिबल टू मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ड्यूरिंग इट्स इनिशियल ईयर्स। हाउएवर, जो आइंस्टीन है या और जो बाकी लोग हैं, दे वर एबल टू एक्सट्रैक्ट द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन जिन्होंने यहाँ पर स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर इन्फ्लुएंस किया। तो वही सवाल आता है कि क्या मैथ्स यूजफुल है? नॉट ऑल एरियाज ऑफ साइंस आर एबल टू कंस्ट्रक्ट थ्योरीज एंड मॉडल्स दैट हैव द लेवल ऑफ मैथमेटिकल रिगर। जो थ्योरीज यहाँ पर फिजिक्स एन्जॉय करती है जो कि बहुत ही हाईली कम्प्लेक्स है, बट यहाँ पर मैथमेटिक्स को एम्प्लॉय करना, टेक्निक को एम्प्लॉय करना एक बहुत ही ज़रूरी टेक्निक होती है। तो ये आपके लिए एक और एडिटोरियल था जो कि आपको बताया था कि क्यों यहाँ पर मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 11 की तरफ। खबर है बीइंग माइंडफुल ऑफ डाइवर्सिटी। अभी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक चीज़ बोली कि हिंदी को
यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए, सब लोगों को हिंदी सीखनी चाहिए। अभी वो हमें क्लैरिफाई करते हुए भी नज़र आए कि उन्होंने ये नहीं बोला था कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाए, बट उन्होंने बोला था कि हिंदी को भी लर्न करना ज़रूरी है साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए एज दी सेकेंड लैंग्वेज। अब उसके ऊपर एक बड़ा डिस्कशन चालू हो गया जो कि आपके जीएस पेपर के अंदर यहाँ पर सोसाइटी वाले पोर्शन से रिलेट करता है। देखो, जो साउथ इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर एक बहुत ही बड़ा आइडिया है कि जो द्रविड़ियन लैंग्वेज स्पीकर्स हैं वो ये सोचते हैं कि हिंदी एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है और हिंदी और इंग्लिश में कोई वो अंतर नहीं समझते, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही उनके लिए फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। तो यहाँ पर उनका जो व्यू है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है कि वो कहते हैं कि जो लोग जो द्रविड़ियन हैं वो यहीं के इंडिजीनियस लोग हैं और जो आर्यन लोग हैं जो कि हिंदी स्पीकिंग लोग हैं वो यहाँ पर बाहर से आके माइग्रेट किए हुए हैं इंडिया के अंदर और उनको यहाँ पर प्रिविलेज मिलता है ड्यू टू द रीज़न मेजोरिटेरियनिज्म। ये जो फेलोसी है हमें इस चीज़ को क्लियर आउट करना है, ये एक फॉल्स इमेजिनेशन है कि हम लोग ये कंसिडर करें कि हमारे लिए कॉमन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम लोगों को आपस में कनेक्टेड रहना है, क्योंकि ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जो कनेक्शन है वो हम लोगों ने एक पास्ट अपनी हिस्ट्री से भी महसूस किया है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सम्राट अशोक के बारे में जो कि मौर्य डायनेस्टी के एक सबसे बड़े सम्राट थे, वो भी यहाँ पे अपने जो आइडिया थे वो पूरे के पूरे किंगडम में फैलाते थे। अशोक के जो एडिक्ट थे हम लोगों को हर जगह देखने को मिल जाएंगे। तो लैंग्वेज का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया एडिक्ट्स के अंदर ईस्टर्न पार्ट्स के अंदर वो अलग अलग थी, मगधी का इस्तेमाल हुआ ओके, जो कि लैंग्वेज थी यहाँ पे अशोक की कोर्ट की। कुछ और हम लोगों को लैंग्वेज देखने को मिली जैसे संस्कृत के अंदर भी है, खुरोस्ती के अंदर भी है, बायलिंगुअल एडिक्ट है अफगानिस्तान के अंदर, अरेमिक है, ग्रीक है। तो अशोक इस चीज़ के बारे में बिल्कुल अवेयर थे कि यहाँ पर जो लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म है वो बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है। उसी चीज़ को यहाँ पर इस आर्टिकल ने आपको यहाँ पर दोहराया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल पेज नंबर 13, खबर मिलती है हाउडी मोदी मे रिवील मिनी डील। तो जो हाउडी मोदी जो इवेंट होने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो एक यूएस और इंडिया के रिलेशन में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दे सकता है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इंडिया एड्रेस करे कुछ यूएस के इश्यूज़ को जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टैरिफ से बिलोंग करता है, डेटा लोकलाइजेशन, प्राइस कैपिंग से, नी इम्प्लांट के यहाँ पर कैपिंग से, एग्रीकल्चर मार्केट एसेस से, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात हो सकती है। साथ ही यूएस भी यहाँ पर जो टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाए उनको रोल बैक कर सकता है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से हमें जो बाहर निकाला गया हम लोगों को फिर से वापस डाल सकता है। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि होने के चांसेस कम है वो ये है कि जो स्टंट के प्राइस हैं वो हमें कम होते हुए मतलब उनके जो प्राइस कैपिंग है वो हटती हुई नज़र आए, और यहाँ पर यूएस की डिमांड क्या होगी मार्केट एसेस टू डेयरी एंड पॉक प्रोडक्ट्स के लिए वो भी एक यहाँ पर एक ब्लरी सिचुएशन है। तो देखते हैं कि ये जो डील है ये किस पर्टिकुलर रास्ते में इंडिया और यूएस के यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर जाती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल पेज नंबर 15, खबर मिलती है रूम फॉर रेट कट एज इन्फ्लेशन अंडर 4%। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है जो CPI है जिसको CSO रिलीज करती है वो 4% से कम बताई जा रही है ओवर द नेक्स्ट वन ईयर, जो कि यहाँ पर एक सेंट्रल बैंक की मैंडेटेड लिमिट के अंदर है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिमिट के अंदर है जो कि 4 ± 2% की है। तो इसीलिए आगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये कंसीडर कर सकती है कि यहाँ पर जो रेपो रेट है उसको फिर से एक बारी कटआउट किया जाए। अभी फरवरी से लेकर अब तक 110 बेसिस पॉइंट्स का रिडक्शन हम लोग कर चुके हैं। मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 15, खबर मिलती है लिक्विडिटी स्ट्रेस इन रियलिटी अ क्रेडिट नेगेटिव फॉर बैंक्स सेज मूडीज। तो मूडीज जो कि एक रेटिंग एजेंसी है उसका यह मानना है कि यहाँ पर जो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो लिक्विडिटी स्ट्रेस हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो इंडियन बैंक्स को भी इम्पैक्ट करेगा और यहाँ पर वो क्रेडिट नेगेटिव होगा डोमेस्टिक लेंडर्स के लिए। तो मतलब इंडियन बैंक्स की जो रेटिंग है उन्हें घटाया जा सकता है, चाहे वो इंडियन बैंक्स हो या NBFCs हो। पेज नंबर 15 पे हमें खबर मिलती है गूगल टू सेटअप AI रिसर्च लैब ओके। तो यहाँ पर US हेडक्वार्टर गूगल ने यहाँ पर अनाउंस किया कि इंडिया के अंदर वो एक रिसर्च लैब खोलेंगे जो कि यहाँ पर रिसर्च करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यहाँ पर चीज़ों पे। रिसर्च का मेन मकसद होगा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना जो कि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एजुकेशन सेक्टर से यहाँ पर बिलोंग करती हैं ओके। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। जो नई लैब है इट विल बी अ पार्ट ऑफ एंड सपोर्ट गूगल्स ग्लोबल नेटवर्क ऑफ रिसर्चर्स। मूविंग ऑन पेज नंबर 22, खबर मिलती है कैच अ कोल्ड। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जल्द ही फाइनलाइज कर सकती है 135 करोड़ रुपीस का यहाँ पर प्रोजेक्ट। तीन प्रोजेक्ट हैं
जिसके अंदर इंडियन और यूरोपियन साइंटिस्ट हैं जो कि नई इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स को डेवलप कर रहे हैं। इसका जो बैकग्राउंड है वो हॉरिजॉन 2020 से लिंक करता है, हॉरिजॉन 2020 वाले प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर 7 ईयर्स का प्रोग्राम है यूरोपियन यूनियन का, जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन जो नई इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स हैं उनको यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है अलग अलग देशों के साथ कोलैबोरेशन में लाकर। यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ भी यहाँ पर इस कोलैबोरेशन के अंदर साइन आउट किया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर यूनिक बात है यहाँ पर चाइम कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन मॉडल। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले जो इन्फेक्शन है उसको एक वॉलंटियर के अंदर डाला जाएगा और फिर उन वैक्सीन्स को यहाँ पर टेस्ट आउट किया जाएगा। जैसे हम लोग सैंडबॉक्स इन्फेक्शंस करते हैं, सैंडबॉक्स चीज़ें करते हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, उसी पे ये किए जाएंगे। जो चिम अप्रोच है इट विल स्पीड अप द प्रोसेस, जहाँ पे साइंटिस्ट क्वांटिफाई कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल वैक्सीन्स हैं वो कैंडिडेट्स के ऊपर रिएक्ट करती भी हैं या नहीं करती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हमें जो खबर मिलती है दैट इज यूनिसेफ वॉन्स ऑफ इमर्जिंग थ्रेट्स दैट यंग पीपल फेस। यूनिसेफ ने यहाँ पर कुछ बड़ी चीज़ें सामने रखी हैं कि जो यंग लोग हैं, उन जो यंग चिल्ड्रंस हैं उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। 8 ग्रोइंग चैलेंजेस उन्होंने सामने रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स, पॉल्यूशन, क्लाइमेट क्राइसिस, डिक्लाइन इन मेंटल हेल्थ, मास माइग्रेशन, पॉपुलेशन मूवमेंट, स्टेटलेसनेस और ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन। वो बच्चों के ब्रेन के ऊपर भी इम्पैक्ट करते हैं, उनके डेवलपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर जो इम्पैक्ट होता है वो मेंटल इलनेस का होता है। यह जो ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन होती है वो भी बच्चों को यहाँ पर इम्पैक्ट करती है। यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया कि जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, जहाँ पर फेक ऑडियो और वीडियो कंटेंट बनाए जाते हैं, वो बहुत ईजी हो चुका है और वो बच्चों के ब्रेन को यहाँ पर नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। पेज नंबर 22, खबर मिलती है डस्ट क्लाउड फ्रॉम कोलिजन ट्रिगर्ड आइस एज। यहाँ पर बताया गया कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, उस एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर यहाँ पर एक बड़ा कोलिजन हुआ होगा, जिस कोलिजन की वजह से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल निकले होंगे और उन्होंने अर्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट किया होगा, और शायद इसी वजह से जो आइस एज है वो हमारे देश के अंदर आ गई थी। आज के इस पेपर को यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।